चिंटू, ओए चिंटू, तेरे क्लास का टाइम हो गया, अभी तू बैठ के यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी तक तूने क्लास नहीं गया, जल्दी से जाकर क्लास जाओ। एक तो इतना लेट से सो करके उठता है, ऊपर से बहाने बनाता रहता है। कभी बोलता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, कभी बोलता है मेरा सिर दर्द कर रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी बोलता है मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। अरे थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो, चल जा जा जल्दी स्कूल जा। अरे मम्मी आप भी ना, बस आज भर छोड़ दो, कल से क्लास चला जाऊंगा, कल से मैं प्रत्येक दिन क्लास जाऊंगा, आज भर छोड़ दो, बस आज भर, मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है। अरे मम्मी आप भी ना सोचते ही नहीं हो, इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, सभी लोग तो बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए। पापा को ही देखो, इतना पढ़ाई करने के बाद भी बाहर में मजदूरी कर रहे हैं फैक्ट्री में। चलो मम्मी आज कहीं घूमने चलते हैं, शॉपिंग करने सभी लोग अपने साथ, आज तो मजा ही आ जाएगा घूमने में, हमको घूमने में बहुत मजा आता है। चलो जल्दी मम्मी से आज। फालतू की बात मत करो, चुपचाप स्कूल जाओ। ठीक है मम्मी आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर। चिंटू तो तू आ गया क्लास, अब जल्दी से अपना होमवर्क निकाल, कहाँ था इतने दिनों से? क्या बताऊँ सर, होमवर्क तो मैंने याद ही नहीं किया। शाबाश बेटा।